गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड पेज नंबर 11, टॉपिक 2.2, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। इन दिस टॉपिक वी विल रीड द यूजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। एज वी नो देर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, fats, minerals, vitamins, etc. So, carbohydrates mainly provide energy to our body. Carbohydrates हमें mainly क्या देता है? Energy देते हैं हमारी body को. Fats also gives us energy. Fats भी हमें energy देता है. In fact, fats gives much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. इनफैक्ट क्या बताया है इसमें कि फैट जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट भी हम सेम अमाउंट मिले, फैट्स भी हम सेम अमाउंट मिले, तो फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी अगर हम कंपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फूड्स ऐसा खाना जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, मतलब हमें एनर्जी देने वाला फूड कहा जाता है उन्हें। फिगर आपको 2.3 और 2.4 में फूड के बारे में दिया। 2.3 में आपको दिया है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि हम कार्बोहाइड्रेट कहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, स्वीट, दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। And in table 2.4, these are the sources of fats. Nuts, tilled oil, groundnut, mungfali, ये सारे आपके fats के sources हैं. Eggs, fish, meat, ये सब आपके fats के sources हैं. ऊपर जो आपको nuts, तिल और groundnut, ये सब आपको plant से मिलता है ये सारे fats, और ये fat के जो sources होते हैं eggs, fish, meat, ये आपको animal से मिलता है। नाउ प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ। प्रोटीन्स की हमें ज़रूरत होती है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, मतलब हमें बढ़ने के लिए और हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, अंदर से हमारी बॉडी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम प्रोटीन को खाते हैं, प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स में प्रोटीन्स आर ऑल्सो फूड्स जैसे आपके दिए गए प्रोटीन के सोर्सेज, ये आपके प्रोटीन के सोर्सेज है फिगर 2.5 में, जिसमें अपर वाला जो ए वाला सेक्शन है उसमें आपको ये प्लांट प्रोडक्ट्स है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, और नीचे वाला बी वाला आपका ये एनिमल सोर्सेज है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्लांट सोर्सेज में आपके क्या क्या आते हैं? पीज, मटर हो गई, ग्राम, चना, मूंग, तुअर दाल, अरहर दाल, बीन्स हो गए, सोयाबीन हो गया, ये सब आपके प्लांट के सोर्सेज हैं विच फ्रॉम विच वी ऑब्टेन प्रोटीन। मीट, फिश, पनीर, एग्स, ये सब आपके एनिमल सोर्सेज हैं जिसे हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन्स आर आल्सो ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स को हम और भी क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मतलब ये हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, मतलब बनाता है, ग्रोथ में हेल्प करता है और अंदर की बॉडी सिस्टम को रिपेयर करता है। विटामिंस हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिंस का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को बचाता है बीमारियों से। विटामिंस आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिंस क्या करता है? ये हमारी आईज को, आँखों को, हड्डियों को, टीथ, दांत को, और दांत का जो ऊपर वो मसल्स वाला पार्ट होता है उसे हम गम्स कहते हैं, उसे क्या करता है? हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। विटामिंस आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम। ये विटामिंस जो होते हैं आपके अलग अलग तरह के हो जाने गए हैं और उनका अलग अलग नाम दिया गया है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, कुछ जो होते हैं वो आपके विटामिन ए होते हैं। कुछ जैसे कुछ विटामिन के नाम है जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये आपके कई तरह के विटामिन हो गए। देयर इज आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
ग्रुप ऑफ विटामिन होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मतलब ढेर सारे विटामिन उसमें होते हैं विटामिन बी के अंदर। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन, हमारी बॉडी को सारे विटामिन की ज़रूरत होती है इन स्मॉल क्वांटिटी, थोड़े अमाउंट में। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी, विटामिन ए का काम क्या होता है, हमारी आँखों को और स्किन को, हमारी स्किन को स्वस्थ बनाता है। विटामिन सी हेल्प्स टू बॉडी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेज। विटामिन सी का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाता है कि वो किसी भी बीमारियों से लड़ सकता है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी की मदद करता है ताकि हम कैल्शियम का यूज़ कर सकें बोन्स और टीथ के लिए, मतलब ये हमें, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं विटामिन डी हमें कैल्शियम देता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.62 टू फिगर 2.9। जो फूड्स जो अलग अलग विटामिन में होते हैं, जो रिच होते हैं, मतलब जिसमें अलग अलग विटामिन पाए जाते हैं, वो आपको फिगर 2.6 से 2.9 में दिए गए हैं। 2.6 में विटामिन ए के सोर्सेज हैं जैसे पपाया, कैरेट और मैंगो। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी के सोर्सेज कौन से होते हैं, राइस होता है, लीवर होता है और वीट होता है, ये हो गया। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के क्या होते हैं, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा यानी अमरूद, ग्रीन चिली, लेमन और आंवला, लेमन मतलब नींबू, ये सब आपके विटामिन सी के सोर्सेज हो गए। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी आपको किससे मिलते हैं, यानी कैल्शियम जो हमारे बोन्स और टीथ को जरूरी होता है वो कहाँ से मिलता है, फिश, एग और लीवर से मिलता है। सो नाउ कम टू मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी को, वो ज़रूरत होती है उसको, वो भी आपको कितने में चाहिए, थोड़े अमाउंट में, मतलब कम क्वांटिटी में चाहिए। ईच वन इज इसेंशियल, सबकी ज़रूरत होती है, ज़रूरी है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ताकि हमारी ग्रोथ अच्छे से हो, हम अच्छे से मतलब बढ़ें और मेंटेन गुड हेल्थ, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो और एक अच्छा स्वस्थ हेल्दी लाइफ जिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। कुछ मिनरल के सोर्सेज आपको फिगर 2.10 में दिए गए। 2.10 सोर्सेज ऑफ सम मिनरल, जैसे सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन के कहाँ से मिलता है आपको, जिंजर होता है, अदरक उससे मिल जाता है। सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपको किससे मिलता है, मिल्क, बनाना, राइस, इन सब से मिल जाता है। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, आयरन आपको कहाँ से मिलता है, एप्पल, स्पिनच, पालक, ओके, लीवर, इन सब से मिल जाता है। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आपको कहाँ से मिल जाता है, एग से मिलता है, कैल्शियम आपके मिल्क में भी पाया जाता है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स। मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। कई सारे कई फूड आइटम में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2। आपने टेबल 2.0 किया, उसमें आपने नोटिस किया होगा जब आपने ऑब्जर्वेशन, मतलब जब आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया होगा प्रोटीन, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का, तो उसमें नोटिस किया कुछ फूड आइटम्स में प्रोटीन, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, स्टार्च और फैट तीनों पाए जाते हैं। किसी किसी में सिर्फ आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, किसी में आपके सिर्फ स्टार्च प्रेजेंट होंगे, ओके। हाउ एवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल, दिए गए आपको जो रॉ मटेरियल, मतलब जो कच्चा मटेरियल आपने फूड आइटम लिया है, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। उसमें कई न्यूट्रिएंट्स होंगे बट उस फूड आइटम में क्या होगा, एक न्यूट्रिएंट जो होता है वो आपका ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, ज़्यादा रहेगा, जिससे कि हम क्या कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट। राइस राइस के पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें अदर न्यूट्रिएंट से। थस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तब हम कह सकते हैं कि राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसीलिए उसे हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहते हैं। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट, इन सब न्यूट्रिएंट के साथ साथ अवर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। हमारी बॉडी को डाइट्री फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है और पानी की भी ज़रूरत होती है। अब डाइट्री फाइबर्स क्या होते हैं,
डाइट्री फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइट्री फाइबर्स को हम और भी क्या कह सकते हैं, रफेज भी कह सकते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड। रफेज जो होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, मोस्टली कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं हमारे खाने के थ्रू। मतलब जो खाना जो प्लांट फूड बनाता है प्रिपेयर करता है वही खाना हम लेते हैं उसमें हमें रफेज मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस पोटैटोज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज किस किस में पाया जाता है, होल ग्रेन्स जैसे राइस पल्सेस वीट इन सब में रफेज पाया जाता है, पल्सेस में पाया जाता है, पोटैटोज आलू में पाया जाता है, फ्रेश फ्रूट्स में पाया जाता है, ताजे फल में एंड वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। ये सब क्या होते हैं, मेन सोर्स होते हैं, इन सब से हमें क्या मिलता है, रफेज मिलता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज जो होता है वो हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है हमारी बॉडी को, बट इज़ एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अवर फूड। लेकिन वो हमारे खाने में ज़रूरी ज़रूरी पार्ट होता है, ज़रूरत होती मतलब उसकी बेसिक नीड होती है। एंड एज टू इट्स बल्क और उसमें हम ऐड करते हैं, मतलब उस खाने के साथ साथ उसे हम लेते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट के साथ हम डाइट्री फाइबर्स भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं खाने में। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज क्यों खाते हैं जब वो हमें न्यूट्रिएंट नहीं देता है, इसलिए खाते हैं क्योंकि ये हमें जो अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड मतलब जो खाना हमें पचा ना हो, डाइजेस्ट ना हुआ हो, वो खाना हमारा डाइजेस्ट हो सके, इसलिए हम रफेज का यूज़ करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है। तो कुछ खाना जो होता है वो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, इंटेस्टाइन में स्टमक में आपके रह जाते हैं। जब हम रफेज खाते हैं, डाइट्री फाइबर्स का यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता है छोटे छोटे पीसेज में, स्मॉल पीसेज में, वो आपका क्या होता है, कोर्स ग्रेन होता है। तो वो आपका क्या करता है, वो हम जब लेते हैं खाते हैं, तब वो क्या करता है, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं, जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है, उसको सब लेके क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है हमारे बॉडी से। अब वाटर का क्या काम है, वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ताकि वो न्यूट्रिएंट जो फूड में प्रेजेंट जो भी फूड हम खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो सारे वो एब्जॉर्ब कर ले, वो सारे ले ले हमारी बॉडी। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। या वाटर हमें और भी हेल्प करता है कि जो भी हमारा वेस्ट, जो भी ख़राब चीज़ होती है हमारी बॉडी से, वो बाहर निकाल सकें, किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, और स्वेट पसीना उसके फॉर्म में बाहर निकाल दें। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर मिल्क एंड टी। नॉर्मली क्या होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम वाटर कहाँ से लेते हैं, हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ से लेती है, जो पानी हम पीते हैं, जैसे वाटर हम ड्रिंक करते हैं, जो पानी पीते हैं उससे हमें वाटर मिल जाता है हमारी बॉडी को, मिल्क में भी वाटर मिल जाता है एंड आल्सो टी से भी वाटर मिल जाता है। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। इसके साथ साथ हमें जो वाटर मिल जाता है वो कहाँ से मिल जाता है, जो पका हुआ खाने में भी हम पानी ऐड करते हैं, और कभी कभार हमें फूड से भी कुछ अमाउंट में वाटर मिल जाता है, क्योंकि फूड में भी फ्रूट्स में भी वाटर प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। ऐसा कोई अदर सोर्स भी है जो हमें वाटर प्रोवाइड करता है, तो नॉर्मली फ्रूट्स में भी फ्रूट्स आल्सो हैव वाटर इन इट एंड वेजिटेबल्स आल्सो। सो वन फैक्ट इज देयर दैट आवर बॉडी आल्सो विच इज रिटन इन अ ब्लू कलर, आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर्स वाइटमिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी जो होती है वो वाइटमिन डी को प्रिपेयर कर सकती है सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट धूप जो आती है, रोशनी आती है उसके प्रेजेंस में हम बना सकते हैं। नाउ अ डेज आजकल इनसफिशियंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग वाइटमिन डी डिफिशियंसी इन मैनी पीपल। आजकल क्या होता है, लोग सनलाइट में नहीं बैठते हैं, धूप में नहीं बैठते हैं, जिसकी वजह से उनमें वाइटमिन डी की कमी हो जाती है, और उससे क्या होती है, हमें बीमारियाँ होती हैं। नाउ एक्टिविटी थ्री, वॉट इज गिवेन इन एक्टिविटी थ्री, टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन। यू हैव टू टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन। आपको एक टमाटर लेना है या लेमन लेना है,
कट इट इंटू स्मॉल पीसेस, आपको उसे छोटे पीस में कट करना है, छोटे छोटे पीस में। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो? अब इसमें आप जब उसको पीसेस में कट करते हो तो आपके हाथ गीला होता है जब आप इसको कट करते हो। केयरफुली ऑब्जर्व वेन योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। आपको केयरफुली बहुत ध्यान से उसको देखना है कि जब आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को काटते हो, पील्ड मतलब उसका छिलका निकालते हो, ग्रेटेड और मैश जब उसे छोटे छोटे पीसेज में करते हो एट योर होम, घर पे। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या आपको ऐसे भी कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं या फ्रूट्स मिलते हैं जिसके पास कुछ अमाउंट में वाटर ना प्रेजेंट हो? सो वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। हमने देखा है कि बहुत से फूड मटेरियल्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, खुद के पास खुद का वाटर होता है उनके पास। जैसे कुकम्बर हो गया, कुकम्बर खीरा, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है जब भी हम खाते हैं उसे। टू सम एक्सटेंट अवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। सो हमारी बॉडी जो होता है उस फूड पर मटेरियल से वो वाटर ले लेता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। और जब हम कोई भी खाना पकाते हैं तो उसमें भी वाटर ऐड कर देते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी को वाटर मिल जाता है। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वन क्वेश्चन अराइजेस, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? द आंसर इज दैट एवरी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। हर फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में कुछ ना कुछ अमाउंट के वाटर होते हैं। 1% वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ ड्राई फ्रूट्स, जैसे वॉलनट, अखरोट, रेजिन्स, मुनक्का, इन सब में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस डाइट इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू क्लास।